दोस्तों, चलिए आज फ्लावर डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे ऐसे लेके, और इस जगह पे ही सेम जगह पे हम ऐसे 1 2 2 टाइम क्रोशिया चलाएंगे, ये ऊपर रखेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर से हम ऐसे 2 टाइम क्रोशिया चलाएंगे, ये ऊपर रखेंगे, पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध देंगे, फिर 1 2 3 चेन, डबल फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे फिर से बनाएंगे हम ऐसे 1 2, फिर ये ऊपर ही रखेंगे, फिर डबल फंदे, फिर 1 2, फिर ये ऊपर ही रखेंगे, डबल फंदे, फिर से 1 2। देखिए अब पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर 1 2 3 चेन, फिर से डबल फंदे, फिर से बनाएंगे सेम चीज़ें, से 2 टाइम क्रोशिया भी चलाना है, डबल फंदे लेके और ऐसे बनाना है। देखिए अब पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे और ऐसे खिसका खिसका के एक पास कर लेंगे, फिर 1 2 3 चेन, तो ऐसे ही राउंड पूरा बना कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने पूरा चारों तरफ से 8 बना लिया, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा बना लिए हैं। पहले वाले में लिए कि हम ऐसे यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और ये बांध के कट करेंगे। देखिए और इसे हम ऐसे बैक साइड लगा देंगे। देखिए इसके बाद से हम ये कलर लेंगे नॉट लगा के, और जो 3-3 चेन किए हैं इसके बीच में ऐसे बांध के 1 2 3 चेन करना है, डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशे फिर बनाएंगे हम, 1 2 3 दो हुआ, 1 2 3 डबल फंदे ऐसे 1 2 3। देखिए तो 4 हम बना लिए, उसके बाद 1 2 3 चेन फिर करेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर दूसरा वाला चेन है इसमें भी बनाना है हमें ऐसे, तो 1 2 3 4 फिर से 4 ट्रिपल क्रोशे फिर बना लिए, फिर 1 2 3 चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर इसके बाद वाले में भी हम सेम चीज़ें बनाएंगे, इसमें भी 4 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, एक से दूसरे जाने में 3 चेन करेंगे, तो राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हमने चारों तरफ से ऐसे बना लिया है, फिर फर्स्ट उनमें ले के हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और इसके बाद से इसे हम बांध के कट करके निकाल लेंगे, और इसे भी हम बैक साइड हम ऐसे बांध के लगा लेते हैं। तो देखिए इसके बाद से नॉट लगा के, और जो ये चेन है इसमें ऐसे बांध के 1 2 3 चेन, डबल फंदे लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 1 2 3 4 ऐसे 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के 1 2 3 चेन पर करेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर से हम 1 2 3 देखिए 1 2 डबल फंदे ले लेके बनाना है हमें, 3 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं हम, 4 ऐसे बना लिए। उसके बाद देखिए ये 4 बनाए हैं, तो बीच में हम ऐसे लेके ऐसे डायरेक्ट ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर डबल फंदे, फिर इसमें 1 2 3 4 देखिए 4 फिर हो गया, फिर 1 2 3 चेन, डबल फंदे, फिर से 1 2 3 4 ऐसे देखिए 4 बना लिए, फिर से 4 बना रहे हैं, फिर 3 चेन, फिर 4 बनाए,
अब इसमें फोर है, इसके बीच में मिडिल में टू टू दोनों साइड छोड़ के मिडिल में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फंदे लेंगे, फिर से फोर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फिर थ्री चेन करेंगे, फिर फोर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे ही पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे बना के। तो हमने चारों तरफ से ऐसे बनाया, फिर यहाँ पर नीचे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद से फिर पहला जो बनाया है उसमें ले के हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और ये बांध के यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इसे बैक साइड करके हम इसे भी लगा देंगे इसमें। तो देखिए, तो ये डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। डिजाइन कैसा है जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।